Dear students and dear friends, welcome back in my YouTube channel. You know, this is the channel and my channel name is RS English Era. I am requesting to you, please subscribe my channel, like my channel and share to your each and every friends, okay? आज मैं एक डिस्कशन टॉपिक लेके आया हूँ. दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रीवियस डेज में जो प्लस टू का और टेंथ प्लस टू का दोनों का रिजल्ट आ चुका है. BSEB की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड का. वहाँ पे मैंने एक वीडियोज अपलोड किया है और वीडियोज अपलोड करने के बाद मैंने उसमें बताया भी है कि कोई भी हताशा और निराशा किसी तरह का नहीं होना चाहिए. मार्क्स कम ज़्यादा आ सकते हैं, आपकी नॉलेज बेटर होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए और आप में कोलाबोरेटिव थिंकिंग होनी चाहिए. एक्सक्लूसिव टेम्परामेंट को आप ज़्यादा डेवलप करें, ऐसा होना चाहिए. तो मैं ये अपने चैनल के माध्यम से भी एज अ टीचर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के टेंथ हो गए, अभी टेंथ के बोर्ड रिजल्ट्स आ गए, उनके अप्लाई और फॉर्म फिलअप के भी डेट आने वाले हैं, ये सभी कंटिन्यू होते रहेंगे. तो इसमें आप कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हो, कभी भी आप अपने रास्ते से भटके नहीं, बट आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव आप अपने हार्ट एंड माइंड से ही करें. आप किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके किसी भी विषय का चयन नहीं करें. आपको किस विषय में रुचि है, आप किस विषय से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए आप जो भी फेवरेट आपका मींस फेवरेट कंज्यूम्स होता है, आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे सोच सकते हैं कि मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ उसका इन फ्यूचर डिमांड क्या है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी चाहिए और हमें किस तरह के नॉलेज गेन करनी चाहिए आज की इस टेक्निकल एज में. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे टेंथ हो गया, ठीक है, अभी जो टेंथ का रिजल्ट आया हुआ है, तो टेंथ के रिजल्ट के बाद हमें तीन ऑप्शन खुले होते हैं. या तो हम IAC करते हैं, या तो हम ICOM करते हैं, या तो हम IA करते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स. ये हमारा 2 इयर्स का प्लान होता है. बट इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर अभी जैसे NEP, आप लोगों को पता होगा कि पहले NCF था, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 था, जो अब ख़त्म कर दिया गया है. अभी NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो काम कर रही है 2020, इसमें एक चीज़ को बताया गया है कि अगर आप टेंथ के बाद IAC कर रहे हैं, ICOM कर रहे हैं, IA कर रहे हैं, जो 2 इयर्स का आपका एजुकेशनल कोर्स है वो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड कोर्स भी गवर्नमेंट लेके आई, इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है. तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आप हैं कि जैसे BEd वगैरह भी कर सकते हैं, DLED वगैरह भी कर सकते हैं. यहाँ पे DLED की ज़्यादा वैल्यूएशन है अगर प्लस टू के साथ अगर आप टेंथ के बाद प्लस टू में एडमिशन लेते हैं किसी भी फैकल्टी में, तो इन फैकल्टी के साथ आपका ये 2 इयर्स का डिप्लोमा जो इसमें है, टू ईयर्स डिप्लोमा इसमें जुड़ जा रहा है. तो ऐसे में आप टेंथ के बाद जो IAC, ICOM, IA तीनों फैकल्टी में कोई फैकल्टी चूज करें, वहाँ पे आपके लिए 2 इयर्स डिप्लोमा DLED ये सब्स्टिट्यूट की तरह है और आप यहाँ पे ले सकते हैं और ये आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाएगा, जिसमें आपको इंटरमीडिएट का एक पास आउट और एक आपका 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट दोनों प्रोवाइड होंगे कि इंटर बेसिस पे. ठीक है, जो बच्चे प्लस टू के एग्ज़ाम को अभी पास किए हैं उनके लिए ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट खुले होते हैं. यहाँ पे 10+2 निकालने के बाद उन्हें ग्रेजुएशन में अपने लाइफ अचीवमेंट इवेंट कह सकते हैं कि जो जनरल कंपटीशन फाइटिंग के लिए होता है, वैसे सब्जेक्ट को चुनना ज़्यादा बेहतर होता है. हमने कई बार देखा है कि टेंथ के बाद बच्चे IAC लेते हैं, बट वो IAC 2 इयर्स करने के बाद वो फिर यहाँ पे आके आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. मैं ये नहीं कहता कि सब कोई जैसे IAC ले ही लिया तो वो फिर आगे BSc करेगा. हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो IAC किए हैं टेंथ के बाद वो यहाँ आके BSc ही करें. यहाँ पे आपके पास
पॉसिबिलिटी थी पहले कि 2 ईयर्स का डिप्लोमा, आप 2 ईयर्स का आप कोई भी एजुकेशनल कोर्स कर सकते हैं, बट अब गवर्नमेंट के द्वारा जो NEP 2020 लाया है वह कह रहा है कि आप 2 ईयर्स का एजुकेशनल कोर्स तो करेंगे ही, प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा विद इन 4 ईयर्स का आपका होगा, जहाँ पर आप ये कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 10+2 और वो DLED आपका यहाँ पे है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या है, 10+2 के बाद क्या है कि ग्रेजुएशन के लिए जो हम सब्जेक्ट चुनते हैं तो इसमें बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह दें कि BA हो गया, BSc हो गया या BCom हो गया, आप यहाँ पे भी अपने मनपसंद सब्जेक्ट को जिसमें आपको अधिक रुचि है, जिसमें आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या आपको कॉन्फिडेंस उसमें बनता है, उस सब्जेक्ट को लें चुने। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो ये 3 ईयर्स का जो कोर्स था ग्रेजुएशन, इसमें भी अब सेमेस्टर वाइज कर दिया। पहले क्या होता था, इस चीज़ को अच्छा से समझेंगे, Part 1, Part 2 और Part 3 होता था, ये ग्रेजुएशन का ये होता था टाइमिंग, 3 ईयर्स का, ये 3 ईयर्स का होता था कोर्स। अब इस Part 1 में और Part 2 में और Part 3 में इसको सेमेस्टर वाइज डिवाइज कर दिया गया। Part 1 में भी आपको सेमेस्टर पढ़ना है, 1-2, इसमें 2 सेमेस्टर, फिर इसमें 2 सेमेस्टर, फिर इसमें 2 सेमेस्टर, हाफ ईयरली सेमेस्टर है आपको, इसमें इंटरनल एग्जाम्स देने हैं, आउटर्नल एग्जाम, असाइनमेंट लिखने हैं, ये सभी वर्क हो रहे हैं। पहले क्या था कि 10+2 करने के बाद जैसे हम ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे आर्ट्स लेते हैं, चाहे साइंस लेते हैं, चाहे कॉमर्स लेते हैं, उसके 3 ईयर्स एग्जाम होते थे। Part 1 का एग्जाम एक बार फाइनली होता था, Part 2 का एग्जाम फाइनली होता था, यहाँ हमारे ऑनर्स पेपर, यहाँ हमारे ऑनर्स पेपर, और दोनों के ऑनर्स पेपर फिर आके 3rd ईयर्स के ऑनर्स पेपर में टोटली जुड़ते थे, जहाँ मार्क्स ऑब्टेन होता था उस पे हमारा परसेंटेज प्रोवाइड होता था। अब क्या है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे भी है कि आप ग्रेजुएशन के साथ BEd कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा +2 ये 10 के बाद +2+DLED है, उसी तरह +2 के बाद ग्रेजुएशन +BEd है, जो ये 2 ईयर्स का डिप्लोमा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और DLED और BEd को ऐसा खासा माना जा रहा है कि एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जैसे टीचिंग जॉब के लिए थोड़ा सा ये प्रोफेशनली है, वरना ऑप्शन बहुत खुले होते हैं, पॉलिटेक्निक भी है, IITs वगैरह है, बहुत सारे हैं। बट डिपेंड ये करता है कि 10th और +2 करने के बाद हमारी रुचि किधर है, हम किधर जाना चाहते हैं, इन फ्यूचर हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी कुछ थिंकिंग है, उसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट का चयन करना है, न कि किसी के कह देने पर ये करना है। ये सभी चीज़ें हैं। और मैं चाह रहा था कि 10th और 12th का रिजल्ट आने के बाद हमने जो एक वीडियोज बनाई थी उसमें बच्चे बहुत हेजिटेट हो गए थे, कुछ बच्चे डर गए थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, किसी का कम मार्क्स, किसी का ज़्यादा मार्क्स, तो इन सभी को लेके हमारे चैनल पे वीडियो छोड़ा गया। फिर हमारे साथी, हमारे सर ने भी जो मैथ क्लासेस के लिए कुमार सौरभ क्लासेस 2.2 है, वहाँ पे भी उन्होंने वीडियो जारी किया है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया कि आप वहीं चुने जहाँ आपकी रुचि हो, और उनके द्वारा भी एक अच्छी डिबेट क्लास है, मतलब एक डिस्कशन क्लास है, और हमारे चैनल पर भी है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों से, हमारे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हैं उन दोनों वीडियोज़ को देखे होंगे, और उन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद हम लोगों ने ये भी सोचा कि कम से कम बच्चों को विषय चुनने में परेशानी ना हो, कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन में होता है, जो कोर्स क्या होता है, उसके लिए कुछ डिस्कशन करें हम लोग, कोर्स के बारे में बताएं, कौन कितने ईयर्स का कोर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट वैल्यूएशन होते हैं। तो इस पर मैं एक छोटा सा वीडियोज रखा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बेहतर कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए आगे। फिलहाल आपके पढ़ाई में किसी तरह का रुकावट ना हो, इसके लिए हम लोगों ने जो RS इंग्लिश एरा फॉर इंग्लिश एंड SSC सब्जेक्ट, और कुमार सौरभ क्लासेस 2.2 फॉर मैथ और साइंस सब्जेक्ट, इसके लिए हमारे दोनों यूट्यूब चैनल हमेशा से काम करते हैं और आपके लिए सदा काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियोस को समझे, देखें, इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट को चयन करने में दिक्कत हो, किसी भी तरह के सब्जेक्ट में दिक्कत हो, पढ़ाई में किसी तरह का कहीं रुकावट हो, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।